Subscribe Munch TV on YouTube and press the bell icon to never miss an update from Munch TV. अपना शहर अपनी बातें, अपना शहर अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मोजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चक पटा पटाका, पटा पटाका पटा पटाका। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज पूरा शहर। News, views, and interviews, fresh and hot, without excuse, without excuse, without excuse. So tune in, keep watching, पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बात। हेलो, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। कोणार्क न्यूज अपना शहर अपनी बातें में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं नजर इस एपिसोड की विशेष खबरों पर। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। कोणार्क न्यूज की ओर से एक खबर दी गई थी, जिसके चलते उल्लासनगर के विभिन्न उद्यानों की खस्ता हालत बताई गई थी। इसी के चलते उल्लासनगर के सपना गार्डन के पास वुमेन एंड चिल्ड्रन पार्क की खस्ता हालत उस रिपोर्ट के अनुसार बताई गई थी। लेकिन अब कोणार्क न्यूज़ की इस खबर का असर हुआ है और अब वहां पर सुचारू रूप से कार्य होने लगा है। इसी के चलते उल्लासनगर महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी किस तरह की अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, देखते हैं। हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको बताया था कि शहर में कुछ गिने चुने ही गार्डन जो है जो लोगों के इस्तेमाल के लिए रह गए, यानी कि नागरिकों के लिए रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो चीज़ें होनी चाहिए, वहाँ पर नहीं होती है। खास करके साफ़ सफाई की बात करें, पीने के पानी की बात करें, तो वहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर लोग जो है घूमने फिरने के लिए आते हैं, जो है एक माहौल में आते हैं, लेकिन जिस तरीके से परिस्थिति होती है तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब जो हमने आपको खबरें बताई थी, इसके पहले हमने आपको सपना गार्डन के परिसर का बताया था कि वहाँ पर जब लोग आते हैं सुबह के समय या शाम के समय, उन्हें गंदगी का सामना करना पड़ता है, पीने के लिए पानी नहीं होता है, और भी अन्य समस्याएं थी। जिसके बाद वहाँ पर जो है खबर चलने के बाद वहाँ पर ये देखने को मिला कि वहाँ पर भी जो है सफाई के काम के ऊपर ध्यान दिया गया, पानी की सुविधा के ऊपर जो है ध्यान दिया जा रहा है। अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन जो है जल्द से जल्द वहाँ पर पानी की भी जो दिक्कत है वो भी जो है पूरी कर दी जाएगी, और भी विकास के कार्य वहाँ पर शुरू हो चुके हैं। ऐसे में सपना गार्डन से लगा हुआ बच्चों का एक पार्क है, चिल्ड्रन पार्क है, यहाँ पर भी जो है सुबह के समय में आसपास के नागरिक आते हैं टहलने के लिए, वॉक करने के लिए, तो यहाँ पे भी जो है काफ़ी गंदगी हुआ करती थी। खबर चलाने के बाद जो है शहर के कई इलाकों में, शहर के कई गार्डनों में जो है प्रशासन द्वारा ध्यान दिया जा रहा है, साफ़ सफाई की जा रही है। यहाँ पर भी जो है पहले काफ़ी गंदगी हुआ करती थी। सपना गार्डन के ठीक पास का ये चिल्ड्रंस गार्डन है, यानी बच्चों के लिए पार्क है, यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें हुआ करती थी, गंदगी रहती थी यहाँ पर। अब जो है प्रशासन ने यहाँ पर काम शुरू किया है। साहब काय सांगणार, आज गार्डन एकदम चकाचक दिसतंय, काय काय सांगणार आहे? आज रोजी आम्ही सपना गार्डनच्या बाजूला एक चिल्ड्रन गार्डन म्हणून एक छोटंसं गार्डन आहे। आज मी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मी कर्मचाऱ्यांकडून आणि प्लस माझे कर्मचारी, माझे बीट मुकादम आणि माझे सहकारी सगळ्याकडून आज आम्ही दिवसभर आज आम्ही स्वच्छता अभियान राबवून संपूर्ण गार्डन आम्ही साफसफाई केली। तसंच गार्डनला आम्ही आज टँक एक पाणीसुद्धा आम्ही आज बाहेरून पाणी मारून साफसफाई करून घेतली। बहरहाल थोड़ी बहुत यहाँ पर बैठने के लिए जो बेंचेस है, जो सुविधाएं हैं, वो यहाँ पर होनी बाकी है। हमने जब संपर्क किया यहाँ पर प्रभाग से और पीडब्ल्यूडी से, उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो है इनकी ऊपर भी जो है ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ स्ट्रीट लाइट की भी यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत ज़रूरत है शाम के समय के लिए। तो डिपार्टमेंट का, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का कहना है कि जल्द से जल्द जो है बाकी की भी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो बहरहाल खबर चलने के बाद शहर में जो बचे हुए गार्डन हैं उन पर जो है कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर में ड्रेनेज सिस्टम के खस्ता हाल के चलते उल्लासनगर में नालों के खुले होने के बावजूद, वहां पर कवर न होने के बावजूद कई हादसों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उल्लासनगर में ड्रेनेज की ऐसी बिगड़ी हालतों पर कोणार्क न्यूज ने बनाई है एक विशेष रिपोर्ट, देखते हैं।
शहर में जिस तरीके से परेशानियां हैं, जो दिक्कतें होती है, इसके लिए जो है शहर के जो जनता है, शहर के जो नागरिक है, वो हमें संपर्क करते हैं और हमें बताते रहते हैं कि उनके आसपास में क्या दिक्कतें हैं, ताकि वो ये दिक्कतें हमारे तक पहुंचाएं और हम जो है दिक्कत प्रशासन तक पहुंचाएं, उसका कोई ना कोई हल निकाल पाए। ऐसे में जो है हमें लगातार अपने दर्शकों से और हमारे चैनल में लगातार जो हम खबरें बताते आ रहे हैं शहर में, कहीं ना कहीं जो कि विकास थोड़ा सा रह जाता है, चूका रह जाता है, लेकिन विकास की बातें की जाती, तो कुछ दर्शकों ने हमें ये शिकायत भेजी कि शहर के कई इलाकों में ऐसे ड्रेनेज हैं, ऐसे कलवट हैं, ऐसे नाले हैं जो कि पिछले कई सालों से जिनके ढक्कन नहीं लगाए गए हैं, जिसके वजह से बुज़ुर्गों की वहाँ पर जो है दुर्घटनाएँ होती है, बच्चे वहाँ पर गिर जाते हैं और बड़ी दुर्घटनाएँ जो है वाहनों से भी होती है। तो ऐसे शहर के कई इलाके हैं और ये शिकायत मिलने के बाद शहर के कई इलाकों में हमने जाके जो है इसका जायज़ा किया और देखने की कोशिश की कि आखिरकार दिक्कत है जो नागरिकों को हो रही है, जो कि शिकायतें आ रही है कि ड्रेनेज खराब है, ढक्कन नहीं है, जो कलवट बने हैं उन्हें आसपास में जो है ठीक तरीके से दखाव नहीं किया गया है, तो किस तरीके से काम किया जा रहा है। तो हमने जब सर्वे किया, हम जब शहर के कोने कोने पर पहुंचे, तो हमें देखने को मिला कि वाकई में ही कई जगहों पर नज़ारे इतने खौफनाक थे कि ड्रेनेज तो बने हुए थे लेकिन ढक्कन नहीं थे, तो कहीं पर कलवट जो है बना हुआ है, सलिए निकले हुए हैं, अगर कहीं पर भी किसी भी वक्त ऐसा हादसा होता है, उस सलिए पे कोई गिर जाता है, तो आप ही समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा वहाँ पर जो है अचानक से हो सकता है। तो बहरहाल शहर में प्रशासन जो कि विकास की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है इस तरीके की छोटी मोटी जो कि दिक्कत है वहाँ पर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, जो कि किसी भी वक्त ये छोटी मुश्किलें बड़ी बन सकती है और बड़ा हादसे का रूप ले सकती है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर महानगरपालिका महिला व बाल कल्याण विभाग की ओर से विशेष प्रशिक्षण शिविर रखे गए। बता दें कि अकाउंटिंग, टैली और साथ साथ नर्सिंग कोर्सेज के शिविरों के साथ साथ कई और गतिविधियां, कई और शिविर भी आयोजित हुए, साथ साथ प्रमाण पत्र वाटप का भी कार्यक्रम आयोजन हुआ। विशेष मौका था क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जयंती के निमित्त। इसी के चलते उल्लासनगर महानगरपालिका के अधिकारी, उल्लासनगर महानगरपालिका स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन राजेश वदेरा क्या जानकारी दे रहे हैं, देखते हैं। आज उल्लासनगर महानगरपालिका महिला बाल कल्याण विभाग के तरफ से सावित्रीबाई फुले जयंती के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम रखा गया था। यहाँ पे तीन टाइप की ट्रेनिंग का हमने शुभारम्भ किया है। हर एक में 30-30 महिलाएं हैं, टोटल 90 महिलाओं को हम लोग प्रशिक्षण देंगे। एक है ब्यूटी पार्लर का, दूसरा है टेली सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर टाइपिंग का, और तीसरा नर्सिस का। तीन कोर्सेज हैं जिसमें उनको ट्रेनिंग महानगर पालिका के तरफ से फ्री में दी जाएगी। इससे पहले भी हम लोग और प्रोग्राम कर चुके हैं, जैसे 270 लेडीज़ का अभी हमने उनको सर्टिफिकेट्स दिए, साथ में ये अभी प्रोग्राम किया है। इनको कुछ दिनों के बाद, ट्रेनिंग के बाद, फिर इनको हम लोग प्रशिक्षण मिल जाएगा, वो सर्टिफिकेट मिलेगा। और साथ में ये हम कोशिश भी करते हैं कि इनको स्वरोजगार किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी अकाउंटेंट के पास, किसी भी फर्म में, किसी कंपनी में मिले, तो वो प्रयास भी हम लोग साथ साथ में करते रहते हैं। और ये जो प्रोग्राम है ये महिला बाल कल्याण के विभाग के इधर से हुआ है। उल्लासनगर महानगर पालिका ने अपनी बजट से 5% की निधि इस विभाग को देकर रखी है, जैसे महिलाओं को और बाल का जो कल्याण है वो हो सके। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीच्या अनुषंगाने आज महिला बाल कल्याण विभाग उल्लासनगर महापालिका यांच्या वतीनं महिला सक्षमीकरणासाठी महिलांसाठी ब्यूटी पार्लर, अकाउंटिंगचं टॅली, संगणक प्रशिक्षण, त्यानंतर नर्सिंग कोर्स इत्यादी कोर्सचं आयोजन, त्याकरिता त्यांना विनाशुल्क प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे। त्या प्रत्येक कोर्सचा कालावधी हा वेगळावेगळा आहे, त्याचा 1 महिना आहे, त्याचा 2 महिने, त्याचा 3 महिना असा आहे, परंतु ते सर्व प्रशिक्षण हे विनाशुल्क राहणार आहे। आणि ज्या महिला प्रशिक्षण घेतील, त्या प्रशिक्षण केल्याच्यानंतर त्या महिला स्वतःच्या पायावर उभा राहून कुटुंबाला आर्थिक सक्षम बनवतील, त्या अनुषंगाने महिला बाल कल्याण विभागाच्या वतीनं हा प्रोग्राम आयोजित केलेला आहे। महानगरपालिकेच्या एकूण उत्पन्नापैकी 5% उत्पन्न, म्हणजे कंपल्सरी उत्पन्न जाता, 5% उत्पन्न हे महिला बाल कल्याण योजनेवरती विभागावरती आम्ही खर्च करतो। त्या विभागाच्या अंतर्गत हा एक उपक्रम आहे। त्यासाठी आज माननीय महापौर, माननीय स्थायी समिती सभापती, अनेक नगरसेवक, विभागातील सर्व अधिकारी कर्मचारी आणि बहुसंख्य संख्येनं इथं महिला
आणि माता भगिनी जमलेल्या आहेत, त्यांनी प्रशिक्षणाचा लाभ घ्यावा असं महापौर स्थायी समिती सभापती यांनी सर्वांना आवाहन केलेलं आहे. आणि मला निश्चितच खात्री आहे की हा प्रोग्राम अतिशय चांगल्या प्रकारे यशस्वी याच्यामध्ये कुठल्या महिलांना प्रशिक्षण दिलं जाणार आहे? नाही, ते शैक्षणिक आहारतेनुसार आहे ना. काही महिलांना 10वीनंतर आहे, काही महिलांना 12वीनंतर आहे, अशा पद्धतीचं शैक्षणिक आहारत आहे. त्या संदर्भात त्याचा फॉर्म वगैरे आम्ही त्या अगोदर जनजागृती केलेली आहे, त्यांचं फॉर्म वगैरे भरून घेतलं आणि त्याच्यानंतर आज उद्घाटन केलेलं आहे. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. पोलीस रेजिंग, इस तरह का एक विशेष अवेयरनेस प्रोग्राम पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से उल्लासनगर के सेंट पॉल कॉलेज में आयोजित हुआ. इसी के चलते वहां के अध्यापक, वहां के प्राचार्य, साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी किस तरह की जानकारी दे रहे हैं, किस तरह से ये अवेयरनेस, ये जागरूकता का कार्यक्रम किया गया साइबर क्राइम के लिए और नॉइज पोल्यूशन के लिए, देखते हैं. आज 2 ते 8 जानेवारी या दरमियान पोलीस रेजिंग डे या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने सेंट पॉल कॉलेज या ठिकाणी आम्ही पोलीस अधिकारी या त्या ठिकाणी जाऊन माझ्यासोबत माझे सहकारी EPI माने साहेब आणि PSI राजपूत यांच्यासह जाऊन तिथल्या कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना आणि विद्यार्थिनींना आणि सायबर आणि नॉईज पोल्युशन या संदर्भात मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमादरम्यान विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मोबाईल ॲडिक्ट संदर्भात किंवा नेटचा वापर कसा करावा, कशा प्रकारे फसवणूक होण्यापासून सुरक्षित राहावे या संदर्भात त्यांना मार्गदर्शन करण्यात आलेलं आहे. तसेच नॉईज पोल्युशन संदर्भात सुद्धा त्यांना सेल्फ कसं राहायचं आणि सुरक्षित कसं राहायचं, स्वतःहून आपण माणूस म्हणून राहायला हवं आहे आणि त्यांनी जास्तीत जास्त कायदा पाळावा, मनानेच जो कायदा घेतला अंमलात आणला त्यांनी, तर त्या या कायद्याची त्यांना गरज पडणार नाही आहे ते समजून सांगितलेलं आहे. मी शरयू श्रोत्री, व्हाईस प्रिन्सिपल सेंट पॉल कॉलेज. आज आमच्या इथे सायबर क्राईम आणि ध्वनी प्रदूषण याबद्दलचं सेमिनार आयोजित केलं होतं. त्यामध्ये विठ्ठलवाडी पोलीस स्टेशनमधून त्यांचे सिनियर अधिकारी आणि त्यांचे 2 सहक अधिकारीसुद्धा आले होते. त्यामध्ये खडकीकर सर होते, माने सर होते आणि राजपूत सर होते. आणि त्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने माहिती दिली सायबर क्राईम कसं होतात आणि खास करून ज्या महिला आहेत त्यांना कसं टार्गेट केलं जातं आणि त्यांचे फोटोज घेऊन ते कशा पद्धतीने त्याचा वापर केला जातो आणि जे आपले यंगस्टर आहेत कॉलेजमधली त्यांचा कसा गैरवापर केला जातो याबद्दल अतिशय चांगल्या पद्धतीची माहिती आणि थोडीशी भीती दाखवली की आपण कसं ह्यापासून दूर मुलांना ठेवू शकतो आणि आपण स्वतः कसं ह्यापासून दूर राहू शकतो. विशेषतः आपण मोबाईलचे खूप ॲडिक्ट झालो आहोत, तर हे ॲडिक्शन आपण कसं दूर करायला पाहिजे याबद्दलची त्यांनी खूप चांगली माहिती दिली आणि खूप योग्य प्रकारे आम्हाला सगळ्यांना मार्गदर्शन केलं. माने सरांनीही फार सुंदर प्रकारे ध्वनी प्रदूषणाबद्दलची माहिती दिली की उगाचच आपण बाईकचे हॉर्न वाजवले जातात आणि खास करून ही कॉलेजची मुलांना फार छान त्यात मजा वाटते, तर त्यामुळे इतरांना काय त्रास होतो आणि कसं आपण ध्वनी प्रदूषण आपल्या पद्धतीने आपण कसं कमी करू शकतो आणि यामध्ये कुठल्या प्रशासनाची गरज नसून आपण स्वतःला कसे ते नियम लावून देऊ शकतो ह्याबद्दल त्यांनी आम्हाला प्रोत्साहित केलं, सगळ्या मुलांना प्रोत्साहित केलं. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. वर्ष 2020 म्यूजिक हंगामा, इस तरह का एक गीत संगीत का कार्यक्रम उल्लासनगर के सिंधु यूथ सर्कल की ओर से 9 वर्ष के निमित्त किया गया. वर्ष 2020 9 वर्ष मनाते हुए सभी को शुभकामनाएं दी गई और क्या क्या कहा वहां के आयोजकों ने, देखते हैं. 9 साल आया सिंधु नगर सभी शहरवासियों के सिंधु यूथ सर्कल के पारा नए साल जो लख लख करोड़ करोड़ वादाएं 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 सभी उल्लासनगर वासियों को, शहरवासियों को सिंधु सर्किल की ओर से नए 2020 की आप सबको करोड़ करोड़ बधाइयां बधाइयां बधाइयां. नूतन वर्ष का सगळ्याला शुभेच्छा 2020 हैं असा के नए की खुशी आ तो सिंधु सर्किल हर साल अजा हन साल भी म्यूजिक हंगामा जो है धमाके जो प्रोग्राम
नए साल मल्हाइण लाइ कयो आहे। अचो जो नया साल है खुशियों का साल है, पुरानी बातों को भूलकर, गिला शकवा को भूलकर, जो भी है उसको सबको बुलाकर आज हम अपनी नई शुरुआत करें। नए प्यार से, नए उमंगों से, नए इरादों से हम आगे बढ़ें, अपने शहर को, अपने देश को आगे बढ़ाने का आज हम लोग कुछ सोचें, प्रयास करें। तो मेरी आप सब लोगों को फिर एक बार शुभेच्छा, 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 नए साल की शुभेच्छा, धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। सिंधी युवा रंगमंच की ओर से विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, हा मां सिंधिया। रविवार 5 जनवरी के दिन उल्लासनगर के टाउन हॉल में सिंधी युवा रंगमंच की ओर से आयोजित होने जा रहे इस कार्यक्रम में सभी को आमंत्रित किया गया है। सिंधी युवा रंगमंच टीम मोहित करीरा ए रेशम बोनेजा पेश कर रहे हैं एक सिंधी वैरायटी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जिनो नालो है हा मां सिंधी आयां। जैमें करण खेमानी ए प्रियंका केसवानी पेंजी मधुर आवाज में एक गीत संगीत जो कार्यक्रम पेश कर रहा। पंजे सवे जो घोड़ो मुझे लाल जो, पंजे सवे जो घोड़ो मुझे लाल जो, लाल घोड़े ते चढ़ी घूमे तो, लाल घोड़े ते चढ़ी घूमे तो। एहन सा गरोगर सिंधी युवा रंगमंच जा कलाकार तवाजे सामू पेश कंदा सिंधी गानन ते ग्रुप डांसेस, सिंधी छेज, थीम परफॉर्मेंसेस ए सिंधी रैप सॉन्ग। रैप 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 सिंधी में रैप तो केना वेंदा जो बटर है वा। ए सिर्फ एतरो ही न, असा तवा सबनी जे लाए एक सिंधी फैशन शो जो आयोजन कयो आहे जेमे असा दर्शाइंदासी सिंधी सभ्यता के। हन सा गडो गड ता सबनी के खिलाए खिलाए पेट में सूर करण लाए असा खणी आया आयूं ब सिंधी एकांकी कॉमेडी नाटक अजब गजब माइटी जिनके पेश कंदा सिंधी युवा रंगमंच का कलाकार। अरे धीरे जा, हेडिस मां छा पचवा। अरे तू होश अड, हे दिस पेपर में ऐड आई है त छोकरी लाए सुठो वर खपे। हां तपो करे बैठे ता शादी हूं भी हेडो वडो ठगो थियो है। अरे पर होना में दिस ने शा लिखे लाए छोकरे के मापी हुजन खपे ए सुठी नौकरी भी हुजन खपे। छड बो तुझे कमाई काने ना ही तोखे मापिया है ना ही नौकरी। हल नौकरी जो ता मां देसी अठनम तू तू एक कम कर ना एक कडी ले मुझे पीठ है ना हेरो रिश्तो वरी नहीं दो यार प्लीज ठई ना यार सही तरीके से अच्छी हो ना काई तकलीफ तो नहीं ना। तकलीफ शाजी अरे घड़ा ते थोड़ी आए हूं कार में आए हूं कार में एसी वाली कार पैसा जाम है ना साखे तमा जो हॉबीज शा शैन शा तंबाकू खाणो तव। अरे पत्ता खेडण जी एक्टिंग दी करे। अच्छा त छोकरे जो कमकार छा है। मुंजो छोकरो रेलवे में आए दिस पुट दवा वठण वक्त एक्सपायरी ए शादी करण खा पेणे छोकरी जी शिकिल बई चेक करे वठबी थी नत त पो जाम तकलीफ आइंदी थी। तुजो पापा असा जी बेइज्जती करे डवाए यो रिश्तो कैंसिल ए हवाई यात्रा जेके पेश करण लाइ अची रहिया आहिनि ड्रामा क्लब जा कलाकार खास जलगांव मां। त अचा नवे साल ईंदा आर्तवार 5 जनवरी 2020 टाउन हॉल उल्लासनगर 3 ऐं ठीक शाम जो 7 बजे अचो ऐं सिंधी कलाकारनि जो मान वधायो ऐं सिंधियत जी शान वधायो उहो बि टिकट वठी करे सिंधी युवा रंगमंच जे पाणा सिंधी रंगारंगी कार्यक्रम जेंजो नालो आए हा मां सिंधी आया। वधिक जान ए डोनर कार्ड्स लाए ता संपर्क करे सको ता मिस्टर मोहित करीरा 8983577705 ए मिसेस रेशम बोनेजा 8883833344। This show is supported by Apeksha Coaching Classes, Bharat Computer Education, Dev Life Spaces, Resham Seva Mandal, Social Worker Mr. Deepak Demba, Social Worker Mr. Chandar Kanjani, Payal Travels, Right Angle Photography,
फुटवर्क्स डांस अकेडमी, नीलम फिल्म्स एंड प्रोएक्टिव इंटरनेशनल स्कूल। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। वीटीवी की बहुचर्चित फिल्म वेलकम लक्ष्मी अब नौ वर्ष 2020 में कदम रखने जा रही है। बता दें कि मंगलवार 7 जनवरी के दिन उल्लासनगर के अमन टॉकीज में शाम के 8:45 एक विशेष शो का आयोजन होने जा रहा है। उल्लासनगर के टीम ओमी कालानी, उल्लासनगर के बहु अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की ओर से इस शो के आयोजन में अजीत माखीजानी, पंकज तिलोकानी, लखी नाथानी, साथ ही साथ जय झूलेलाल सेवा समिति का प्रायोजन रहेगा। तो आप इसी संदर्भ में ये जानकारी ले सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से और आ सकते हैं, देख सकते हैं हमारी फिल्म वेलकम लक्ष्मी। 9 साल 2020 नए साल में कदम रखंदे अचो त हिकु दफ़ो वरी माता लक्ष्मीअ जो स्वागत कयूं। ॾिसूं हिकु दफ़ो वरी मंगल 7 जनवरी शाम जो 8:45 उल्हासनगर जे अमन टॉकीज़ में सुपरहिट सिंधी फिल्म वेलकम लक्ष्मी। हिन दफ़े जो शो प्रायोजित कयो वियो आहे बहु अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी श्री अजीत माखीजाणी ऐं पंकज तिलोकानी जे पारां ऐं गॾोगॾु टीम ओमी कालानी जे पदाधिकारी लखी नाथानी जे पारां जय झूलेलाल सेवा समितीअ जो बि सहयोग हिन फिल्म जे प्रायोजन में रहंदो। त यादि रखंदा, मंगल 7 जनवरी शाम जो 8:45 उल्हासनगर जे अमन टॉकीज़ में वेलकम लक्ष्मी। वधीक ॼाण जे लाइ तव्हां संपर्क करे सघो था 9822448808। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मंच टीवी और मंच टीवी की विशेष पेशकश यानी कि अमेजिंग फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अमेजिंग फैक्ट के माध्यम से मंच टीवी की यही कोशिश रहती है कि हम आपको वो जानकारियां बताएं जो कि हमारे आसपास होती है, हैरान कर देने वाली, लेकिन हमें खबर नहीं होती। तो आज के इस एपिसोड में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। दोस्तों, हम सभी को घूमने फिरने का काफ़ी शौक होता है। ऐसे में कई लोग पसंद करते हैं डेजर्ट सफारी को, यानी कि रेगिस्तान में घूमना। लेकिन रेगिस्तान में भी कुछ ऐसी रिसर्च हुई है, यानी कि ऐसी खोज हुई है जिसके बारे में हम नहीं जानते। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की और देखते हैं कि क्या है हमारे पास आज रेगिस्तान के खजाने में। दुनिया के 1.5 क्षेत्रफल में रेगिस्तान फैला हुआ है। दिखने में भले ये रेगिस्तान सामान्य दिखते हों, लेकिन हर एक रेगिस्तान की उसकी एक अलग ही पहचान है। रेगिस्तान में रहना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर जानवर, पेड़ पौधे और इंसान भी रहते हैं। इसलिए रेगिस्तान में से हमें बहुत सारी ऐतिहासिक बातें जानने को मिलती है। दुनिया भर में मौजूद लाखों स्क्वायर फीट किलोमीटर में फैले इस रेगिस्तान में काफ़ी डिस्कवरियाँ हुई हैं, और यदि हम इसके बारे में बात करें या जानें तो हम वाकई में काफ़ी अचंभित होंगे। तो आइए नज़र डालते हैं रेगिस्तान में पाई गई कुछ ऐसी चीज़ें जो कि वाकई में ही चौंका देने वाली है। रेगिस्तान में पाई गई सबसे बड़ी झील। सन 2014 में क्यून एशिया की एक जगह पर कुछ चरवाहा जब अपना काम कर रहे थे तो उन्हें रेगिस्तान में एक ऐसी चीज़ मिली जिसने उन्हें हैरान कर दिया। उन्होंने देखा कि रेगिस्तान में एक बड़ी झील है, और ये बात काफ़ी चौंका देने वाली थी क्योंकि रेगिस्तान में इतनी बड़ी झील होना एक असंभव बात होती है। और यह भी एक वजह है कि वैज्ञानिकों के लिए ये काफ़ी कंफ्यूज यानी कि सोच और विचार करने वाली बात है कि ये यहाँ कैसे पहुँची। इसी के लिए कुछ एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया कि भूकंप के कारण यहाँ चट्टान ऊपर नीचे हुई होगी, जिसके वजह से ज़मीन के अंदर का पानी बाहर आ गया और यहाँ पर इतनी बड़ी झील बन गई। रेगिस्तान में मिली वेल मच्छी की हड्डियाँ। साउथ अमेरिका के देश चिल में पैन अमेरिकन हाईवे पर खुदाई का काम चल रहा था, और तभी खुदाई के दौरान वहाँ के वर्करों ने वेल मच्छी और दूसरे पानी के जानवरों की हड्डियाँ पाई। सन 2010 में यहाँ वेल मच्छी की हड्डियाँ पाई गई थी। लगभग 40 वेल मच्छियों के साथ डॉल्फिन, सील और कुछ ऐसे प्राणी जो कि पानी में रहने वाले थे लेकिन वो लुप्त हो चुके हैं, उनकी हड्डियां यहां पर पाई गई। और अंदाजा लगाया जाता है कि 90 लाख साल पुरानी ये हड्डियां हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वेल मच्छी या फिर पानी में रहने वाले यानी कि समुद्र में रहने वाले जीव यहां तक कैसे पहुंचे। तो वैज्ञानिकों ने
इस पर ये जवाब दिया कि यहाँ पर पहले रेगिस्तान नहीं बल्कि समंदर हुआ करता था। नामीबिया का खजाना। सन 2014 में नामीबिया के रेगिस्तान से पानी का एक जहाज मिला। ये जहाज 500 साल पुराना था। इस जहाज की खोज हीरे की खदान में काम करने वाले वर्करों को मिली थी और ये जहाज उन्हें एक सूखी खाड़ी में मिली। जब ये जहाज उन्हें मिली तो उन्होंने इसकी खबर आर्कियोलॉजिस्ट को दी और आर्कियोलॉजिस्ट ने 6 महीने की कड़ी मेहनत करने के बाद ये पता लगाया कि ये जहाज सिवोंग जी शिप है जो कि लिसन से निकला था और ये इंडिया आ रहा था, लेकिन अचानक से बीच में ही गायब हो गया। अब लगभग 500 साल बाद ये शिप मिला है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस जहाज से सोने के सिक्के मिले जिनकी कीमत 77 करोड़ से भी ज़्यादा बताई जाती है और ये शिप पुर्तगाल का था। रेगिस्तान में सिनेमा हॉल। सेवेंथ आर्ट सिनेमा 1990 के दशक में बनाई गई थी। सीरिया पेनिनसुला में बनाए गए इस रेगिस्तान के बीच में इस सिनेमा घर की ये खासियत है कि इसमें बैठने के लिए 700 लोगों की सीटें बनी हुई है। लेकिन गौर करने वाली बात ये भी है कि यहाँ पर इस सिनेमा घर को बनाया तो गया लेकिन इसे शुरू नहीं किया गया और बनाने वालों ने इसे यूं ही छोड़ दिया और किसी को खबर भी नहीं पड़ने दी। लेकिन ये सिनेमा घर सन 2014 में काफ़ी चर्चे में आया जब एक फोटोग्राफर ने इसकी फोटो वायरल की। फेरी सर्कल्स। नामीबिया के रेगिस्तान में एकदम सही एक जैसे लाखों सरफेस सर्किल देखे जा सकते हैं। ये सर्किल काफ़ी अजीब हैं क्योंकि इसके आसपास काफ़ी हरी घास होती है लेकिन इसके बीच का हिस्सा पूरी तरीके से सूखा रहता है। इन सर्कलों पर कई बार फर्टिलाइज मिट्टी भी डाली गई लेकिन फिर भी इससे कोई असर नहीं हुआ। पेरू के रेगिस्तान में एक चौंका देने वाली खोज सामने आई जहां पर एक मम्मीफाइड हाथ मिला जिसकी उंगलियां 8 इंच लंबी थी और सिर्फ 3 उंगलियां थी। ये खोज आज तक एक रहस्य बनी हुई है। इस पर रिसर्च करने के बाद पता चला कि इस हाथ में स्किन भी थी यानी कि चमड़ी भी थी और 3 बड़ी उंगलियों में 6 हड्डियां थी जबकि इंसानों की उंगलियों में सिर्फ 3 हड्डियां होती है और जिन जानवरों की 3 उंगलियां होती है वो बर्ड यानी कि पक्षी होते हैं। लेकिन आज तक ये पता नहीं लग पाया कि आखिरकार ये किस प्राणी के हाथ थे या फिर उंगलियां थी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये एपिसोड और हमारी ये जानकारियां आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी और सी जानकारियां देखनी है तो आप हमारे मंच टीवी के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि अमेजिंग फैक्ट के सारे एपिसोड आपको मिलते रहे और आपको सारी जानकारियां मिलती रहे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग मंच टीवी। सब्सक्राइब मंच टीवी ऑन यूट्यूब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम मंच टीवी। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। मंच टीवी के किसी भी कार्यक्रम को अगर आप YouTube पर देखना चाहते हैं तो YouTube पर जाएं और सब्सक्राइब करें मंच टीवी। इसी जानकारी के साथ मैं दीपक वाटवानी लेता हूं आपसे विदा। धन्यवाद।